हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी वर्क प्लेस पर कितने टाइप के हैजार्ड होते हैं और क्या क्या हैजार्ड होते हैं। ठीक है, वैसे तो वर्क प्लेस पर होने वाले ऐसे काफ़ी सारे हैजार्ड हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे, पर ऐसे क्या मोस्ट कॉमन हैजार्ड्स जो होते हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं और उन्हें बचा सकते हैं, उन हैजार्ड्स को होने से रोक सकते हैं, ऐसे अपनी सेफ्टी में इम्प्लीमेंट ला सकते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होना कम हो जाए किसी भी वर्क प्लेस पर। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जो हैजार्ड रहते हैं वो तो होते ही हैं वहाँ पे वर्क प्लेस पे। कोई भी वर्क प्लेस ऐसा नहीं है जहाँ कोई खतरा ही ना हो। ठीक है, पर जो खतरा होता है उसको हम कैसे टैकल करें, हैंडल कैसे करें, ये सारी चीज़ अगर हमें पता हो तो हम होने वाले एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए किसी हाइट पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब हाइट पर वर्क कर रहे हैं, खतरा तो है पर वर्क भी करना है। ठीक है, अब हैजार्ड तो है पर काम भी करना है, तो हमने क्या किया, हार्नेस पहन ली। हम हाइट पे वर्क कर रहे हैं, हमने हार्नेस पहनी, अब हमें फिर भी खतरा है, जहाँ भी हम प्लेटफॉर्म पे उसमें गार्ड रेल्स लगवा लिए। ठीक है, तो क्या होता है, हर वर्क प्लेस पे खतरा तो होता है पर उससे हम कैसे बच सकते हैं, खुद का बचाव कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए क्या स्टेप्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ आपको हैजार्ड्स ना दिखें। हैजार्ड्स तो सब जगह होंगे, पर आप उनसे कैसे टैकल कर सकते हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हैं, उनके लिए मेन चीज़ होती है कि हमें उसके बारे में पता हो, नॉलेज हो कि ये इस टाइप का हैजार्ड है, तो हम इस टाइप के स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इन्हीं सब के बारे में मैं बताऊंगी कि मोस्ट कॉमन हैजार्ड्स क्या क्या होते हैं वर्क प्लेस पे। देखिए, तो इस तरीके के 6 कॉमन वर्क प्लेस हैजार्ड्स हैं जो कि हैं सेफ्टी, ठीक है, फिजिकल हैजार्ड, अर्गोनॉमिक हैजार्ड, ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, अब सेफ्टी में क्या आ गया, जैसे कि आप हाइट पर वर्क कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रिकल मशीनरी का वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, किसी कन्फाइंड स्पेस पर वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ से होने वाले हैजार्ड क्या क्या हैं उन पे अगर ठीक से सेफ्टी नहीं बनाई गई है, जैसे कि आपको कन्फाइंड स्पेस में वर्क करने जाना है। ठीक है, अब वहाँ पर जाने के लिए आपको प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं दिए गए, कन्फाइंड स्पेस में जाना है तो हो सकता है आपको बी ए सेट लेके जाना पड़े, तो अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं करा गया है, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड आपको जो सामान नहीं दिए गए उसकी वजह से हैजार्ड होना बोलते हैं सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड हैजार्ड होने वाला, ठीक है, जो हमने सेफ्टी के लिए लिया उससे हमें हैजार्ड हुआ। ठीक है, प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन नहीं की गई वहाँ पे, एसओपी क्या फॉलो होनी थी वो नहीं बताया गया, या वर्क परमिट के टाइम पे जब वो इशू हुआ था तो ये सारी चीज़ें नहीं चेक की गई, तो इससे होने वाले हैजार्ड उनको बोला गया है। ठीक है, अब फिज़िकल हैजार्ड क्या क्या हो सकता है, किसी मशीन से ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, आपके कानों में प्रॉब्लम हो गई, आप नहीं सुन पा रहे हैं, आप डीप हो गए। ठीक है, वहाँ स्मोक या कोई ऐसे हार्मफुल गैसेज आ रही हैं जिन्हें आपको इनहेल करने से कोई डिसीज़ हो गई। ठीक है, कोई वर्क ऐसा हो रहा है जिसकी स्पार्क जनरेट होने से आपके आईज़ में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आपको दिखना कम हो रहा है, धुंधलापन आ रहा है आंखों में, तो इस तरीके के हैजार्ड फिज़िकल हैजार्ड कहलाते हैं, जिनके हैजार्ड से क्या हो, सीधे इफेक्ट आपकी बॉडी पर हो। ठीक है, अर्गोनॉमिक हैजार्ड क्या होते हैं, कोई लिफ्टिंग सामान कोई आप लिफ्ट कर रहे हैं उसमें गलत पॉस्चर बनाना। ठीक है, किसी भी सामान को जैसे कि लिफ्ट है, फॉर्क लिफ्ट है जिस पर सामान जाना है, उसको प्रॉपर वे में नहीं रखा, ऐसे ही सामान रख दिया, कहीं भी रख दिया तो वो गिर सकता है। ठीक है, हुक में सामान हैंग करना है, जो हुक रहता है उठाने के लिए सामान, ठीक है, जो फॉर्क लिफ्ट या जेसीबी इस पे लगा रहता है। ठीक है, तो फॉर्क लिफ्ट टाइप का एक रहता है, उस पे ऐसे सामान आप रखते हो अगर, तो क्या होता है, उस हुक पे आपने सामान ठीक से नहीं कैरी किया, नहीं रखा, तो वो सामान गिर गया, उसकी पोजीशन आपने ठीक से नहीं रखी। ठीक है, तो इस तरीके के हैजार्ड होने वाले अर्गोनॉमिक हैजार्ड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब वहाँ से आपको स्ट्रेस मिल रहा है, हैरेसमेंट मिल रहा है, वायलेंस मिल रहा है, मतलब आप काम इतना काम कराया जा रहा है जिसकी वजह से आप थक रहे हैं। ठीक है, अब आप काम तो कर रहे हैं पर फिर भी आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनको मोटिवेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के हैजार्ड को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैजार्ड, ऊपर से आपको प्रेशराइज्ड किया जा रहा है कि ये करो वो करो, आप कर भी रहे हो उसको, पूरा फॉलो कर रहे हैं, पर फिर भी क्या है, आपको सुनने को ही मिल रही है, जो नहीं कर रहा है वो अच्छा बना हुआ है, ऐसा भी होता है कभी कभी, और जो कर रहा है उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हैजार्ड हो गए। अब केमिकल हैजार्ड, कुछ फ्यूम्स उठ रही हैं, लिक्विड्स आ रहे हैं, गैसेज हो रही हैं, हवा में आ रही हैं, ठीक है, एयर में वहाँ पॉल्यूट कर रही हैं,
तो इससे क्या हुआ, इन्वायरमेंट हैजार्ड हुआ, केमिकल हैजार्ड की वजह से क्या हुआ, पीपल हैजार्ड हुआ, और इन्वायरमेंट हैजार्ड भी हो रहा है। क्या क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ से निकलने वाले जो गैसेस हैं उससे क्या है, अगर कोई इनहेल करता है तो उसको भी प्रॉब्लम, और पेड़ पौधों के लिए, वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है वो। तो इस तरीके का केमिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल हैजार्ड, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ें होना जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका ब्लड में वो घुल जाए, ठीक है, एनिमल्स को प्रॉब्लम हो रही हो, इंसेक्ट्स प्रॉब्लम हो रही, बैक्टीरिया, ठीक है, इस तरीके के बायोलॉजिकल हैजार्ड होते हैं। अब ये सारे हैजार्ड मोस्ट कॉमन हैजार्ड कहलाते हैं किसी भी वर्क प्लेस पे। ये देखिए इस पिक्चर में ठीक से शो भी किया गया है, इस तरीके के 6 टाइप के हैजार्ड होते हैं, रेडिएशन हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड इसमें शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये देखिए सेफ्टी हैजार्ड क्या हो रहा है, ये लैडर से गिर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क हैजार्ड हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क हैजार्ड, स्लिपरी हैजार्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हैजार्ड हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि आपको इस टाइप के हैजार्ड एक वर्कप्लेस में मिल सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ये 6 हैजार्ड होते हैं जिनको आप रोक भी सकते हैं, बहुत सारे हैजार्ड हैं ऐसे जिनको आप रोक सकते हैं। जैसे कि अगर आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन हैजार्ड है अगर कोई, तो उसमें क्या है, अगर कोई वर्कर या एम्प्लॉय कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना, ठीक है, उसकी सुनना, या हो सकता है वो आप तक कोई मैसेज पहुंचा रहा हो, उसकी बात सुनना, उसको कुछ बात कहना हो उसकी बात सुनना, ऐसा ना हो कि आप वो कुछ कह ही ना पाए और उससे पहले आपने उससे डांट लगा दी। तो इस तरीके की चीज़ों पे ध्यान देना, इससे आप ऑर्गेनाइजेशन हैजार्ड रोक सकते हैं। आपके यहाँ से कोई भी फ्यूम्स वगैरह उड़ रही हैं, गैसेज वगैरह लीकेज हो रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं बाहर, तो उनको रोकना, ठीक है। सेफ्टी में अगर आपने सेफ्टी हैजार्ड अगर हो रहे हैं तो आपको और इम्प्लीमेंट करना कि उसको करने के बाद आपके यहाँ कोई भी ऐसा एक्सीडेंट ना होने पाए, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेके आप होने वाले वो मोस्ट कॉमन 6 हैजार्ड्स को रोक सकते हैं, क्योंकि हैजार्ड तो रहेंगे पर उनके ऊपर आपका कंट्रोल कैसा है वो पता होना चाहिए। सबसे मेन जो पॉइंट है वो यही है कि हैजार्ड तो होने हैं पर उनके आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उन पर कंट्रोल बना सकते हैं, वो क्या है एग्जैक्ट वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आज ये मैंने आपको 6 कॉमन हैजार्ड्स के बारे में बताया वर्कप्लेस के। सो थैंक यू।